भागलपुर के रेशम भवन के प्रांगण में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज ऋण वितरण किया गया। रेशम भवन में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कई लाभार्थी को ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आज का दिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लाभार्थी के लिए विशेष रूप से है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत आज कई लाभार्थी को ऋण वितरण किया गया और आगे भी कई लाभार्थी के बीच इस तरह का ऋण वितरण किया जाएगा। MSME डे है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज दिवस हम लोग मनाए हैं। आज रेशम भवन में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एवं PMFME के जितने भी हमारे लाभार्थी थे, उन लोगों को ऋण वितरण भी किया गया है। इस ऋण वितरण में हमारे विभिन्न बैंक का काफ़ी सहयोग रहा है, साथ ही हम इस टीम में सहायक निदेशक जो राज्य स्तर से आए हैं और हमारे GM DIC एवं उनके पूरे टीम का काफ़ी मेहनत अभी दिख रहा था। मैं समस्त उद्यमियों को आज शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ उनसे एक ही चीज़ कहता हूं कि आप उद्यम करें और संभावनाएं अनंत हैं। अपनी संभावनाओं को तलाशें और अच्छा मेहनत करें, अच्छा अर्न करें, लोगों को रोज़गार दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो सकता है तो ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो सकता। अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं खुद देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि जो खंडर में तब्दील हो गया है उसे पुनर्जीवित किया जाए। मैंने आग्रह किया राष्ट्रपति जी, जो द्रौपदी मुर्मू जी से भी मैंने जब वो पहला दिन बनी थी और मैं मिलने गया था तो उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप एक बार चल करके वहां देखें। उसके पहले कोविंद जी को भी मैंने कहा था, कुछ केंद्र सरकार ने उस समय राशि भी दिया था नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो काम अभी द्रुत गति से नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि विक्रमशिला को, चूंकि जब खंडहर के रूप में नालंदा हो गया था तो विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के जो पाल वंश ने ही नालंदा को बनाने का काम किया था, नालंदा का संरक्षण किया था, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये निश्चित रूप से अब इसको भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उसी तर्ज पर नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर विकसित करने की सरकार की मंशा होनी चाहिए और सरकार को करनी चाहिए। 22 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी, सीनियर SP आनंद कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार पहुंचे और कांवरिया श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान किए जाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा किए। इस दौरान कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों से एक एक कर मेले की तैयारी के विषय में जानकारी हासिल की और सभी विभागों को आने वाले 10 दिनों के अंदर तैयारी पूरी कर लेने का दिशा निर्देश भी दिया। बैठक के बाद सभी अधिकारी नमामि गंगे घाट पहुंचे और देश विदेश से आने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं को लेकर गंगा स्नान करने के दौरान कोई परेशानी ना हो इसको लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कमिश्नर दिनेश कुमार और DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि देश विदेश से आने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं को इस बार कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और विशेष रूप से मेले के दौरान पेयजल, बिजली, सड़क, सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार और DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। सभी जो तैयारी हो रही है, चाहे बिजली से हो या पानी की व्यवस्था हो या सफाई की व्यवस्था हो या लोगों का आवासन की व्यवस्था हो या घाट पर साफ सफाई और भीड़ रेगुलेट करने का और इसकी व्यवस्था हो, उसका हम लोगों ने आज जायजा लिया। काफ़ी वृहत हम लोगों ने मीटिंग भी किया और अभी बहुत सारा काम चल रहा है। हम लोगों ने भीड़ को रेगुलेट करने के लिए और विधि व्यवस्था पर कंसंट्रेट किया है, साथ में क्योंकि मेले में काफ़ी भीड़ होगी तो हर दिन बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था हो और जो हेल्थ शिविर लगेगा उसकी भी संख्या बढ़ा करके और वहाँ पर अग्निशमन, पीने का साफ पानी की व्यवस्था, ये सब का व्यवस्था हम लोगों ने आज हम लोगों ने चर्चा किया है। और अगेन हम लोग अगले महीने में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, अलग अलग सेक्टर जो 12 में इसको विभाजित किया गया है, तो सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ड्राई रन करेंगे और फिर उनसे एक बार हम लोग और मीटिंग करेंगे ताकि हम लोग ये सत्यापन कर पाएँ तो उनके अपने अपने सेक्टर्स में जो व्यवस्था की बात हम लोगों ने की है लोगों के लिए श्रावणी मेला के दौरान वो पूरा हो गया है कि नहीं। हम लोगों ने उनसे बात किया, उसका काम चल रहा है
तो उन्होंने कहा भी है कि सर हम लोग पूरा कर देंगे, अगर बीच बीच में कहीं और भी गड्ढा अगर ये है तो हम लोगों ने भी बोला है कि उसको मोटरेबल कर दे, और कहीं भी पूरा का पूरा रोड मोटरेबल होना चाहिए और कहीं भी किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश की भी बारिश का मौसम भी रहेगा तो पानी वानी नहीं जमे और गड्ढा नहीं हो। तो हम लोगों ने आज उनको सख्त ताकीद की है कि इस काम को पूरा करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोगों ने सबको टारगेट दिया है कि 10 जुलाई के पहले ये काम कर लें, और 10 तारीख के आसपास में हम लोगों ने जो सेक्टर्स हैं उनके उनको ये भी कहा है कि एक बार ड्राई रन हम लोग कर लेंगे, कहाँ पर क्या लगेगा, जो दुकानें लगेंगी वो रोड से कितना पीछे लगेंगी ताकि रोड पर भीड़ ना हो, पार्किंग कहाँ पर होगा, पार्किंग में गाड़ी जाने और गाड़ी वापस निकलने के लिए अलग व्यवस्था, यहाँ घाट पर भी लोगों के लिए आने और वापस जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था हो ताकि जो भीड़ हो नियंत्रित हो सके और कहीं भी भगदड़ या जाम की स्थिति ना हो। गंगा के जलस्तर में वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है सावन के दौरान, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए? उसमें लोगों ने ये किया है कि एक तो NDRF SDRF की टीमें तैनात रहेंगी, जो गोताखोर हैं वो भी व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है, और जो पानी जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर ऑलरेडी बैरिकेडिंग होता है, तो हम लोगों ने इस बार ये जोड़ा है कि जो बैरिकेडिंग होगा उसमें एक तार का जाली जैसा बना हुआ आता है वो भी आए, ताकि लोग जो है वो जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर या नीचे से जा करके पानी में ना जाए। वैसे तो हमारे गोताखोर और जो SDRF की टीम है वो रहेगी भी, लेकिन हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि जो बैरिकेडिंग हो उसके बाहर ना जाए। अभी आयुक्त महोदय के द्वारा भी बैठक किया गया है जिसमें हमारे सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे वहाँ। इस बार के मेला में हम लोगों ने कुछ निर्णय लिया है जो खास इस प्रकार से है कि फूड क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कई टीम रहेगी, और हमने निर्देश दिया है कि जितने भी दुकानदार हैं जो यहाँ परमानेंट है उनके साथ भी बैठक की जाए, और जो बाहर से आते हैं उनके साथ भी बैठक किया जाए, और कुछ कंडीशंस फूड क्वालिटी के संबंध में लगाए जाएं कि उस कंडीशन उस से नीचे क्वालिटी का फूड एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा कि जितनी सड़कें हैं, कई बार होता है क्या है कि कई लोग आकर के सड़क को ही इंक्रोच कर देते हैं और आम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, श्रद्धालु को दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोग 2 पट्टी मार्क कराएंगे सड़क के बाहर में, एक पट्टी जिसमें जिसके अंदर बाहर में कस्टमर रहेंगे और दूसरी पट्टी ऐसी जिसके बाहर में दुकानदार रहेंगे। दुकानदार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, यदि वो वायोलेशन करेंगे तो इस पर भी दुकानदारों पर कार्रवाई भी करेंगे, पूरे मेले भर के लिए उनको हम बार करेंगे कि फिर कहीं वो दुकान नहीं लगा सकते हैं। थर्ड की साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रहेगा, सभी दुकानदारों को डस्टबिन अपना रखना पड़ेगा, खास करके जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, जो साफ़ सफाई के लिए कर्मी हैं हमारे प्रत्येक घंटे उनसे हम साफ़ सफाई सुनिश्चित कराएंगे, और बाइक पे भी हमारे साफ़ सफाई के कर्मी मूव करेंगे, खास करके जहाँ शौचालय होंगे वहाँ प्रत्येक 3 से 5 लोगों के शौचालय जाने पर भी हमने कहा है कि साफ़ सफाई सुनिश्चित कराइए। इसके अतिरिक्त NGO को भी हम लोग रखेंगे जो अपनी सेवा दे सकते हैं हमारी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो हमें फीडबैक दें, और हमारी इंडिपेंडेंट टीम भी रहेगी जो हमें फीडबैक दें। इसके अलावे रेलवे से अभी मैंने अनुरोध किया था तो उनका मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकारा है, तो जो बड़ी ज़मीन है वो हमें मेला के लिए ओपन रहेगा, तो हमें काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, कई जो बेसिक सुविधाएँ हम लोग इस ग्राउंड में भी लगाएंगे। सर 1600 बेड का टेंट हम लोग विभिन्न यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए हम लोग लगाएंगे, और प्लस काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ आते हैं, करीब 1100 से 1200 की संख्या में, उनके लिए भी सुविधाएँ मुहैया करानी है, तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और विभाग से बात करते रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन
क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बारह कट्ठे जमीन के लिए लगातार आए दिन मारपीट की घटना भागलपुर से सामने आ रही है। 26 जून को सुबह सूरज यादव अपने मित्र दिलीप के साथ किसी निजी कार्य से अपने घर परबत्ती से सजावर जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में विपक्षी छोटू यादव, कन्हाई यादव और नरेंद्र यादव ने मिलकर सूरज यादव के साथ मारपीट करने लगा। इसी मारपीट के बाद छोटू यादव ने जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा लिया और कन्हाई यादव को कहा कि चलो आज इसे जान से मार देंगे। इसके बाद सूरज भयभीत हो गया। सूरज यादव ने बताया कि हमारा निजी जमीन 12 कट्ठे का प्लॉट है जिस पर विपक्षी कब्जा करना चाहता है। उक्त जमीन का हमारे पास हाईकोर्ट का फैसला भी है। इसके बावजूद आए दिन लगातार मेरे साथ विपक्षी लोग मारपीट करते हैं। इसी को लेकर सूरज जिले के SSP के कार्यालय में आवेदन देने आए थे। उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार वरीय पुलिस अधीक्षक से लगाई है। आपको बता दें कि इसी जमीन को लेकर पिछले दिनों जदयू नेता राजा यादव के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की थी। लौट रहे थे, सजावर से लौटने के क्रम में राधानगर से पहले और सजावर के बीच में कन्हा यादव, छोटू यादव और उसके साथ 4-5 व्यक्ति और थे, 3 बाइक से वो लोग थे। तो आमना सामना हुआ, उसके बाद वो मार्केट तरफ चला गया, हम अपना घर के तरफ आने लगे। 2-3 किलोमीटर के बाद अचानक पीछे से आके पीछे से मेरा शर्ट खींचा, हाथ गाली गलौज करते हुए मतलब रुका था। उसके बाद फिर हम गाड़ी लपेट के अपना भागे तो कुछ दूर पर जाके स्कॉर्पियो आ गया जिसके कारण हम अनबैलेंस हो गए और वो लोग मेरा पीछा कर ही रहा। आगे जाके वो गाड़ी तीनों लगा के रोक दी। रोकने के बाद तुरंत मारने पीटने लगे। उतने देर में वो 4-व्हीलर मार गए, 4-व्हीलर में घींच के हमको बैठाने लगे। कन्हैया बोले छुटवा वगैरह ले चल, आज वगैरह मार लिए। हमारा जमीन वो कहते हैं कि मेरा जमीन जिसमें कि कोर्ट हमको जजमेंट दिया है ऑलरेडी कि आपका जमीन। कितना जमीन? जमीन 12 कट्ठा। अच्छा, और इसके कारण पिछले बार भी विवाद हुआ था? पिछले बार भी जो राजदीप राजा के साथ भी हुए थे यही हुआ, इसी जमीन के कारण वो मारे थे मेरे साथ भी। मतलब जबरन कब्जा करना चाह रहे, जान से मारने की हमेशा धमकी उनको, मेरे परिवार को। तो इस मामले में तो कन्हैया आरोपी भी है ना? जी, कन्हैया आरोपी है, उसका भाई नरेंद्र आरोपी है। आरोप के बाद भी नरेंद्र जो है ड्यूटी कर रहा है KNV कॉलेज में, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्रशासन को नहीं दिख रहा है, वहाँ उसको बोलिएगा तो आपका कन्हैया छुट्टा घूम रहा। तो बलात्कार ही है, बलात्कार करके कुर में जेल भी गया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मालदा जोन की DRM विकास कुमार चौबे ने आज सुल्तानगंज स्टेशन के साथ भागलपुर जंक्शन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन्होंने रेलवे के अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए DRM विकास कुमार चौबे ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को रेलवे के द्वारा किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बार सुल्तानगंज में स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार रेलवे के द्वारा श्रावणी मेला में कई विशेष मेला स्पेशल ट्रेन भी चलेगा। साथ उन्होंने यह भी कहा कि RPF के साथ स्थानीय जिला प्रशासन भी यात्रियों की सुविधा के लिए मुस्तैद दिखेगी। सुल्तानगंज विजिट आज किया था ताकि क्योंकि लगभग 1 माह से कम रह गया है और सुल्तानगंज स्टेशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 22 जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होने वाला है। तो न केवल हमको वहाँ पर यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था करनी होगी, ट्रेनें करनी होंगी, स्टॉपेज करने होंगे, एक्स्ट्रा कोच करने होंगे, बल्कि साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पर जो यात्रियों का एक्सपीरियंस है स्टेशन पे वो बहुत ही सुविधाजनक है। अभी खास तौर से चैलेंज ये है कि हम लोगों ने ये चयनित किया था सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए। काम इसमें देर से शुरू हुआ क्योंकि लास्ट ईयर बड़ा श्रावणी मेला था जिसमें जो कि 3 माह तक चला था,
तो उसके बाद ही हम लोग काम शुरू कर पाए और स्टेशनों पर हमारा काम चालू हो गया था। तो उसमें से कुछ चीज़ें डेवलप हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो हमें यह निर्णय लेना था कि किस फैसिलिटी को कहां पर हमें रोक देना है, क्योंकि निर्माण कार्य जो है वो हम जब श्रावणी मेला चल रहा होगा उस दौरान हम चाहते हैं कि वहां पे ना हो, ताकि यात्रियों के की सुविधा में किसी प्रकार की अड़चन ना डेवलप हो। दूसरा, हम लोगों ने जो दो चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है, एक तो ये कि यात्रियों का जो रूट है वो ट्रैक के ऊपर से होकर के न बने। तो विशेषकर जो देवघर साइड की तरफ से जो मूवमेंट है, जो रोड ओवर ब्रिज है वहाँ पर, वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो रोड ओवर ब्रिज से आए। सेम ट्रैक पे आने से किसी भी अप्रिय घटना के होने की संभावना है, और हम लोग बैरिकेडिंग करके, RPF का डिप्लॉयमेंट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय करके ये इंश्योर करेंगे कि एक तो वो चीज़ ना हो। दूसरा ये कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यात्री सुल्तानगंज स्टेशन पर जो भी प्रबंध है ठहरने का, यात्री वहाँ पर कम से कम ठहरें, ताकि स्टेशन का पर्पज़ होता है कि यात्रियों की आवाजाही, यानी कि जिसको उतरना है वहाँ पे वो उतरे, थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं उसका प्रयोग करे और आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए, और जिसको बोर्ड करना है वो बोर्ड करे सुविधाजनक रूप से। लेकिन अगर लोग बाग प्लेटफॉर्म पे लेटे हैं या बैठे हैं या वहीं पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उससे आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा तो होती है, साथ साथ अप्रिय घटना की भी संभावना, स्टैम्पीड वगैरह हो जाती है। तो हमें ये चीज़ डिस्करेज करनी है। हमने थोड़ी सी ठहरने की व्यवस्था अब स्थायी रूप से वहाँ पर डेवलप कर दी है, अमृत स्टेशन के प्रोग्राम के तहत। तो दो चीज़ें करी गई हैं जो कि हो गई हैं। एक तो ये कि जो आने वाले पैसेंजर्स हैं यानी कि अराइवल्स, और जो डिपार्चर्स हैं यानी कि जाने वाले, इनके बीच में अब फ्लोर सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये कि हर बड़े स्तर के स्टेशनों पे अराइवल ब्लॉक और डिपार्चर ब्लॉक सेपरेट बनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने अब ये इस बार श्रावणी मेला से हम लागू कर देंगे सुल्तानगंज में। इसके अलावा जो बाकी व्यवस्था है, RPF का डिप्लॉयमेंट, टिकट चेकिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट, टावर, CCTV और मैंने जो यातायात की व्यवस्था बताई, वो सब चीज़ों का हमने जायज़ा लिया और सब पूरा। NCC बटालियन की लगभग 550 छात्रा ट्रेनिंग के लिए ट्रेन के द्वारा बरौनी रवाना हुई। छात्रा के लिए स्पेशल कैंप 10 दिवसीय होगा। गर्ल्स बटालियन की कमांडेंट सीमा ने बताया कि बिहार के 15 जिला की छात्रा इस ट्रेनिंग में शामिल होने जा रही है, जहां पर छात्राओं को बेहतर करने के लिए यह ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के बाद छात्राओं का चयन किया जाएगा। NCC के बच्चे CATC 3 कैंप बरौनी जा रहे हैं, जो 17 जून से 6 जुलाई तक लगना है। इसमें बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट जो भागलपुर ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, उसके 550 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें हम लोग TSC का प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन करेंगे और नॉर्मल CATC भी करेंगे। ये बच्चे कितने दिन के लिए जा रहे हैं मैम? 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए जा रहे हैं। 27 से 6। थैंक यू।